क्या आपको पता है कि कुछ पोकेमोन ऐसे हैं जो एक ही पोकेमोन में इवॉल्व नहीं होते, बल्कि उनके ब्रांच एवोल्यूशन हैं। ऐसी बात तो आपको पता ही होगी। नहीं पता तो मैं इधर हूँ, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा 10 बेस्ट ब्रांच एवोल्यूशन पोकेमोन के बारे में। सो हेलो नमस्कार, स्वागतम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आपका प्यारा एनिमल मेंशन एक्स, इन शॉर्ट एडीएक्स। मैं आपके लिए उस समय यूनिक कंटेंट लाता रहता हूँ। तो इससे पहले कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर वन, जिसे नहीं पसंद है साल्ट, वो है हमारी पेरी राल्ट्स। राल्ट्स होया रीजन की साइकिक एंड फेरी डुअल टाइपिंग की पोकेमोन है। और राल्ट्स के बारे में कमाल की चीज ये भी है कि ये सबसे ज्यादा कमजोर स्टैट्स रखने वाली डुअल टाइपिंग की पोकेमोन है। और आगे जाके 20 लेवल पे बन जाती है किरलिया, जो काफी डिसेंट सा पोकेमोन है। उसे कमाल का तो नहीं बोलेंगे, बट ठीक ठाक तो है। और उसके बाद ये बन जाती है लेवल 30 पे गार्डिवोर। सीधा लेवल 30 करो और गार्डिवोर पाओ। ये सच में काफी माल की पोकेमोन है। और अगर आपकी राल्ट्स मेल है तो आप उसे डॉनस्टोन देके साइकिक एंड फाइटिंग टाइप गलेड में विकसित कर सकते हो। और सच में गलेड काफी कमाल की पोकेमोन है। गाड़ीवर और गलेड में चुनना काफी मुश्किल काम है, बट गलेड को विकसित करना ज्यादा मुश्किल है। नंबर टू, उड़ने वाली सीजर साइथर। साइथर कैंटो रीजन का बग एंड फ्लाइंग डुअल टाइपिंग का पोकेमोन है। और इसके बारे में कमाल का फैक्ट है कि इसको लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, आप उसे चेक कर सकते हो। ये बेसिकली दो पोकेमोन इवॉल्व होता है। पहले सीजोर, जिसके लिए आपको मेटल कोट की आवश्यकता है। और सीजर में इवॉल्व होने के बाद ये बग एंड स्टील टाइपिंग का पोकेमोन बन जाता है। थोड़ी इसकी कमजोरी जरूर रहती है, पर ये सच में काफी कमाल का पोकेमोन है। इसका सेकंड एवोल्यूशन है स्क्लीवोर। ये इवॉल्व होता है ब्लैक ऑर्गेनाइट वाली आइटम देने से। काफी अजीब सा नाम है, बट ये पोकेमोन बढ़िया है। और ये पोकेमोन लेटेस्ट ही सोयन रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसकी टाइपिंग है बग एंड रॉक टाइपिंग, जो सच में काफी टाइपिंग है। नंबर थ्री, मुकालात टायरोक के साथ। टायरोक जोटो रीजन का एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है। ये पोकेमोन बेसिकली 3 बार इवॉल्व हो सकता है। और इसके एवोल्यूशन में जो चीज इसको इंटरेस्टिंग बनाती है वो है मेरे प्यारे स्टैट्स। अगर इसके पास डिफेंस ज्यादा है और अटैक थोड़ा कम है तो ये इवॉल्व होगा हिटमोनचैन में। अगर इसके पास अटैक ज्यादा है और डिफेंस कम है तो ये विकसित होगा हिटमोनली में। एंड अगर इसके पास डिफेंस एंड अटैक दोनों इक्वल है तो ये बन जाएगा हिटमोन टॉप। ये तीनों पोकेमोन ही काफी कमाल के हैं और ये तीनों ही फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, नो डुअल टाइप। बाय द वे, इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर फोर, एवोल्यूशन का भंडार है, नाम इसका ईवी है। अब ईवी को तो कौन नहीं जानता, सबसे ज्यादा एवोल्यूशन इसी के पास है। गिनते गिनते थक जाओगे, एवोल्यूशन नहीं कम पड़ेंगे। इसके एवोल्यूशन में फायर टाइप आता है फ्लैरियन, वाटर टाइप होता है वेपोरियन, इलेक्ट्रिक टाइप आता है जोल्टियन, डार्क टाइप आता है अम्ब्रियन, साइकिक टाइप आता है एस्पियन, ग्रास टाइप आता है लीफियन, पेरी टाइप आता है सिल्वियन एंड आइस टाइप आता है ग्लेशियन। इतने सारे एवोल्यूशन है, बाप रे बाप। इसके सारे एवोल्यूशन अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है, बट पॉपुलैरिटी के मामले में अम्ब्रियन ने जगह बनाई है और ताकत के मामले में सिल्वियन ने। नंबर फाइव, द लेजेंडरी पोकेमोन कोस्मोक। कोस्मोक अलोलो रीजन का एक साइकिक टाइप पोकेमोन है, जो आगे जाके इवॉल्व हो जाता है कोस्पियन में, मतलब जो काफी बेकार पोकेमोन माना जाता है। पर उसके बाद ये कमाल के दो लेजेंडरी पोकेमोन में इवॉल्व होता है। अगर आप अल्ट्रा सन सन एंड पोकेमोन स्वॉर्ड खेल रहे हो तो इसमें ये इवॉल्व होगा सल्गैलियो में, जो एक साइकिक एंड स्टील टाइप पोकेमोन है। सच में काफी कमाल का पोकेमोन है और मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड अगर आप पोकेमोन मून, पोकेमोन अल्ट्रा मून एंड पोकेमोन शील्ड खेल रहे हो तो उसमें ये इवॉल्व होगा लूनाना में। लूनाला एक साइकिक एंड घोस्ट टाइप पोकेमोन है और ये सच में काफी अच्छी पोकेमोन है। एक हनेरे वाला है और एक रोशनी वाला है। नंबर सिक्स, बर्फीला पोकेमोन स्नोरंट। स्नोरंट होया रीजन का एक आइस टाइप पोकेमोन है, जो बेसिकली काफी कमाल का है, बट ये आगे जाके लेवल 42 पे बन जाता है ग्लेली में। और ग्लेली है डार्क एंड आइस टाइप। ये आगे जाके मेगा इवॉल्व भी हो जाता है, जो इसके लिए और भी एडवांटेज बनती है। बट इसके पास एक और एवोल्यूशन है जो उससे भी कमाल का है। वो हमें सिनो रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वो है फ्रोस्लैश, जो एक घोस्ट एंड आइस टाइपिंग की पोकेमोन है। ये पोकेमोन ताकतवर तो है, बट इसकी काफी डार्क थ्योरीज भी है, मतलब काफी क्रीपी पोकेमोन है ये। नंबर सेवन, पत्थर है बट दिल का साफ है रोक्रफ। रोक्रफ अलोला रीजन का एक रोड टाइप
टाइप पोकेमोन होने के साथ साथ काफी ज्यादा पॉपुलर पोकेमोन भी है। एंड जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसके तीन तीन एवोल्यूशन। अगर आप रोकरफ को दिन में इवोल्व करोगे तो वो बन जाएगा मिड डे लाइकन रॉक, अगर आप रात में करोगे ये बन जाएगा मिड नाइट लाइकन रॉक, जो स्पेशली काफी कमाल का डिजाइन है इसका। एंड द फाइनल इज डस्क लाइकन रॉक, जो हमारे प्यारे ऐश के पास था। इसके लिए आपको शाम का टाइम बढ़िया रहेगा और आपका पोकेमोन टेम्पो जरूर होना चाहिए। टेम्पो एक तरह की आप जैसे कह सकते हो एबिलिटी जैसी कोई चीज है जिससे इवोल्व होता है। ये तीनों ही काफी कमाल के डिजाइन रखते हैं, मेरे को मिडनाइट वाला ज्यादा पसंद है। और इनके पास डुअल टाइपिंग नहीं है, ये सिर्फ सिंगल रॉक टाइप पोकेमोन है। नंबर 8 काफी कम समय में फेमस होने वाला चार्गडेट। चार्गडेट आते समय से ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। यह हमें लेटेस्ट स्कारलेट एंड वायलेट में इंट्रोड्यूस करवाया गया एक फायर टाइप पोकेमोन के तौर पर। बट जो चीज इसकी खास बनाती है वो है इसके दो दो एवोल्यूशन। अगर आप इसको ऑस्पिशियस आर्मर दोगे तो ये बनेगा आर्मर ओक में, जो एक फायर एंड साइकिक टाइप पोकेमोन है। ऐसी टाइपिंग देखने को भी नहीं मिलेगी। बट इसका जो दूसरा एवोल्यूशन है उसका डिजाइन कमाल का है। अगर आप उसको मलिशियस आर्मर देते हो तो ये बन जाता है सेरेलज में। एंड सेरेलज सच में काफी कमाल का पोकेमोन है। ये एक फायर एंड गोस्ट टाइप पोकेमोन बन जाता है, जो सच में काफी अच्छी टाइपिंग है। नंबर 9 अंडे का फंडा एक्सेक्यूट। एक्सेक्यूट एक ग्रास टाइप पोकेमोन है कैंटो रीजन से। अगर आप इस पोकेमोन को किसी भी रीजन में लीफ स्टोन दोगे तो ये 100.9% एक्सेक्यूटोर ही बनेगा, जो एक ग्रास एंड साइकिक टाइप पोकेमोन है। बट अगर आपने इसको इवोल्व किया अलोला रीजन में तो ये बन जाएगी कमाल की टाइपिंग ग्रास एंड ड्रैगन टाइप एक्सेक्यूटोर, जो सच में काफी बवाल है। हाँ, उसका सिर सच में नारियल जैसा बड़ा हो जाता है, बट पोकेमोन दिखने में तो अच्छा है। नंबर 10 ओशावॉल्ट राउलेट एंड सिंडाक्विल। ये तीनों ही मेरे पर्सनल फेवरेट पोकेमोन है। एंड इनके नए नए एवोल्यूशन हमें सोय रीजन में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। वैसे नहीं कहना सही नहीं होगा क्योंकि वो तो पुराने एवोल्यूशन है। हाँ, तो फिर इनके नए एवोल्यूशन है टाइपलोजन सेमरोट एंड डेसीडुआई, जो आपके करंट वाले हैं। और उसके जो पुराने वो है सोयन सेमरोट, जो एक वॉटर एंड डार्क टाइप पोकेमोन है। उसके बाद राउलेट विकसित हो जाता है एक डेसीडुआई में इसोयन वाले में, जो एक ग्रास एंड फाइटी टाइप बन जाता है। और उसके बाद जो सिंडाक्विल है वो बन जाता है फायर एंड गोस्ट टाइप इसोयन टाइपलोजम में। सच में ये काफी कूल लगते हैं, मेरे को तो डेसीडुआई बढ़िया लगा। एंड अगर आपको मेरी बातें भी थोड़ी बढ़िया लगी तो नीचे एक कमेंट में वीडियो दिखी होगी, उसको क्लिक करके वो देख लेना। और आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना मींस चैनल को। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो कसकाय, टाटा बाय 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 बाय।